एक ही दिन में दो स्थानों पर लगी आग पर अग्निशमन की टीम ने काबू पाया। दुर्ग के मिलपारा में नारियल गोदाम तो बाड़ी में रखे 15 एकड़ के पैरावट में लगी आग से हुआ लाखों का नुकसान। अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एक ही दिन में दो जगहों पर लगी आग से लाखों का नुकसान दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलपारा में बुधवार की शाम हुआ। नारियल गोदाम में जहां आग लग गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को तब लगी जब गोदाम में तेज आग की लपटें बाहर निकलती दिखाई देने लगी और नागरिकों ने तत्काल इसकी सूचना दुर्ग कोतवाली थाना व पुलिस अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए 5 वाहन, पानी और फोन की मदद से आग पर काबू पाया। नारियल गोदाम में आग किस तरह और किस कारण लगी, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना में गोदाम संचालक को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सुबह फायर कंट्रोल की सूचना के अनुसार थाना अंडा के अंतर्गत ग्राम विनायकपुर अर्जुन चंद्राकर के बाड़ी में रखे 15 एकड़ के पैरावट में आग लग गई, जिसकी सूचना पर दुर्ग में तैनात अग्निशमन दल को रवाना किया गया। अग्निशमन दस्ते ने पहुंचकर पैरा में लगी आग को पूर्ण रूप से बुझाया और आग को आसपास क्षेत्र में बढ़ने से रोका। आग लगने का कारण यहाँ पर अज्ञात बताया गया है। आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग के प्रभारी सुरेश कुमार सिन्हा व घनश्याम यादव, इन सब की अहम भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।